एक मिनट, क्या आप वही हैं जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो? यार ऐसे मत किया करो। चलो कोई नहीं, आज हम आपको बताएंगे विकेट कीपिंग के बेसिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में। चलिए नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो पे आपको बताएंगे विकेट कीपिंग के बेसिक्स और टेक्निक्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने विकेट कीपिंग के बेसिक्स को 3 पॉइंट्स में कट डाउन किया है और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ डूज एंड डोंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपिंग ग्लव्स और विकेट कीपिंग इनर्स की। मेरे सबसे पसंदीदा विकेट कीपिंग ग्लव्स और इनर्स न्यू बैलेंस कंपनी के हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है हैंड पोजीशन, सेकंड आता है स्टांस और थर्ड आती है मूवमेंट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड पोस्चर की। इसमें हमें हाथ कैसे रखने होते हैं विकेट कीपिंग करते टाइम। इसमें हमें अपने हाथों से कप बनाना होता है। कुछ लोग ऐसे प्रेफर करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल परफेक्ट कप साइज जैसे बोलते हैं। इनमें से जो भी आपका नेचुरल तरीका है आप वो करिए, बट एक बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आप बॉल को देंगे उतने अच्छे से वो रिसीव होगी। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है स्टांस का। विकेट कीपिंग में आपको कहाँ पे स्टांस लेना चाहिए? सबसे पहले इसमें आपको ऑफ स्टंप का गार्ड ले लेना है पीछे की साइड, जहाँ पे आप विकेट कीपिंग के लिए खड़े हो गए। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपना लेफ्ट फुट गार्ड के ऊपर रखना है और शोल्डर जितना डिस्टेंस, लेग में डिस्टेंस लेके खड़े हो जाना है। और इसके बाद आपको जो राइट हैंड है वो आपके ऑफ स्टंप को अगर छू रहा है, बिल्कुल सीधा हाथ होना चाहिए आपका। अगर आपका छू पा रहा है तो ठीक है, अगर आगे निकल रहा है तो थोड़ा सा पीछे हो जाना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसे हाथ बिल्कुल डिस्टेंस पे होना चाहिए ऑफ स्टंप के। उसके बाद आपको यहाँ पे लेके बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आप अपने टोस पे बैठोगे। सबसे पहला पॉइंट, आप अगर अपनी पूरी हील पीछे कर दोगे तो आपको उठने में और मूवमेंट करने में परेशानी होगी। आपको अपने टोस पे बैठना है और हैंड ऐसे 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 कुछ भी नहीं रखने होते। कुछ लोग अपने नेचुरल तरीके से ऐसे रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं। मैं तो ये वाला प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें अच्छी आपको कलेक्ट, आप अच्छे से बॉल कर सकते हो। टोस पे बैठ जाना है, ना आगे की तरफ ज़्यादा झुकना है और ना पीछे की तरफ होना है, बिल्कुल नॉर्मल अपना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है मूवमेंट का। आपने अपना स्टांस ले लिया, आप अपने स्टांस पे बैठ चुके हैं, अब मूवमेंट कैसे करनी है देखो। इसमें मैं आपकी लेग की मूवमेंट दिखाता हूँ किस प्रकार होएगी। ये आपका ये वाला पैर इस पैर तक आएगा और ये वाला पैर इसको पुश करेगा। जितनी मूवमेंट आपकी तेज रहेगी उतने अच्छे से आप रिसीव कर सकते हो एज लगी हुई बॉल को। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ऐसे आप बैठे होंगे, बॉल आई ऐसे लेग स्टिक के लिए। जितनी तेज आपकी ये वाली मूवमेंट होगी ना उतने अच्छे से आप बॉल रिसीव कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो बिना पैड्स के कर रहा था, क्योंकि उनमें मैं अच्छे से आपको हाथों की मूवमेंट और ये सब दिखा सकता था। बट अब सबसे पहले डूज एंड डोंट्स में आते हैं। अपने विकेट कीपिंग पैड्स और ग्लव्स प्लस से आप बिल्कुल ऊपर से नीचे तैयार रहिए। उसके बाद सबसे पहले आता है, जब आप स्टांस लेंगे आपके जो हाथ हैं वो विकेट के आगे ना चले जाएं, क्योंकि ये नो बॉल मानी जाती है अगर आप आगे से कलेक्ट करके और फिर स्टंप करते हैं। आप अपने हाथ अच्छे से पीछे रखिए, कंफर्टेबल रहिए और आराम से स्टंपिंग कीजिए। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, जैसे ही बॉलर बॉल रिलीज करेगा और वो जैसे ही पिच होएगी, आपको पिच होते ही सबसे पहले अपनी बैक उठानी है और उसके बाद सर उठाना है। सबसे पहले आपका सर नहीं उठेगा, बैक उठेगी और बैक के साथ आपका सर आएगा और आप अपने आराम से कलेक्ट करोगे और फिर स्टंप्स की तरफ जाओगे। और दोस्तों, तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारे पास आता है, आपको जो अपने पैर हैं जैसे ही बॉलर बॉल डालेगा और आपकी तरफ आएगी, आपको पीछे नहीं जाना है। आपको अगर बॉल साइडवेज आ रही है तो साइडवेज चलना है। अगर आप पीछे जाएंगे तो फिर उसके बाद आप स्टंपिंग के लिए पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जहां पे भी बॉल आ रही है, लेग स्टंप पे आ रही है तो जल्दी से मूव कीजिए, ऑफ पे आ रही है तो जल्दी से मूव कीजिए और फिर स्टंप्स पे लगाइए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
ये था फुल क्राउच पोजीशन ऑफ अ विकेट कीपर। यह नॉर्मली स्पिनर्स पे किया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी ड्रिल्स की, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसकी ड्रिल्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी क्वेरीज बताइए और अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।